मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने और थोड़ा आपको बाहर की भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो वैसे तो आज मैं जाने वाली हूँ गिरोला, जो कि है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और जगदलपुर से वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आगे के सफ़र को आपको मैं ऐसे ही दिखाती रहूँगी। तो गाइस मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आज नाश्ते में बना है डोसा, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, इसके बाद मैं निकलती हूँ। और मैं हूँ अभी ओल्ड रायपुर रोड पर और मैं इसी रास्ते से जाने वाली हूँ। और ये है दलपत सागर रोड और यहाँ से मैं पहुँचने वाली हूँ पुराने पुल की तरफ। और पुराने पुल पर अभी नए पुल का भी काम चालू हो चुका है और यहाँ पर बनने वाला है ओवरब्रिज। और ये पुल पूरी तरीके से बारिश के मौसम में भर जाता है, तो इस वजह से नए पुल का निर्माण भी हो रहा है। अब मैं पहुँच गई हूँ आसना वाले रोड पर और यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ूँगी क्योंकि इस रास्ते से ही मुझे जाना है। और आपको अब दिखाती हूँ मैं बादल एकेडमी, जो कि आर्ट एंड म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें इस एकेडमी पर सिखाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा भी बना है और नया भी है, तो आप अगर जगदलपुर आते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड इसके बाद इस खूबसूरत जंगल की तरफ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी अच्छे हरे भरे मौसम में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये साल के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे और रोड काफ़ी खाली थी क्योंकि दोपहर होने के कारण भीड़ कम थी। इस वजह से सफ़र का मज़ा और भी अच्छा आ रहा था और काफ़ी बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ों के नज़ारे भी देखने को मिल रहे थे। और आगे के रास्ते पर हमें इस तरह से छोटे छोटे खजूर के भी पेड़ देखने को मिले, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में छिंद कहते हैं। और ये है वो गांव जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे घर थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये भी। और ये अलग एक रास्ता था और हमें एक शिव जी का मंदिर भी दिखा। और साथ में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुँच ही गए थे गिरोला के टेंपल पर। और इस मंदिर पर हमें पहुँचने में करीब 1.5 घंटे का सफ़र करना पड़ा। और इस मंदिर पर माता हिंगला जिन की मूर्ति विराजमान है, जैसे कि आप मेरे आगे के वीडियो पर देखेंगे। और ये है मंदिर का एंट्री गेट। एंड इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी को पार्क किया और नवरात्रि होने के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत लोगों ने भी दर्शन कर लिया था। अब बारी थी हमारी और यहाँ से हम लोगों ने पूजा के लिए सामान लिया था। और अब मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी, काफ़ी अच्छा माहौल था। और यहाँ से अब मैं एंट्री वाले गेट पर खड़ी हूँ, जिससे कि मैं आगे के रास्ते को आपको दिखाऊंगी। और ये है मंदिर का एंट्री गेट। और मंदिर के इस दीवार पर गणेश जी की काफी अच्छी पेंटिंग बनाई गई थी। और मैं इस रास्ते से मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगी। और कुछ ही साल पहले इस मंदिर को नए निर्माण से बनाया गया है, जो कि दक्षिण की शैली पर लग रहा है। और मंदिर पर स्थानीय भाषा पर भी भजन गाए जा रहे थे, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। भीड़ होने के कारण भी मुझे माई जी के काफ़ी अच्छे दर्शन करने को मिले। और अब मैं आपको मंदिर के थोड़े बहुत नज़ारे भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरफ भी जाने का सोचा, जो कि मंदिर के माता जी की मूर्ति के जस्ट पीछे ही है।
और इस तरफ माई जी की छत्र और डोली इन सबको रखा गया है, तो इनके भी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। और ये है मंदिर का डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने पर। और ये कोई देवी की मूर्ति थी, तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी क्लिप भी दिखानी चाहिए। इस तरफ रखी गई थी माता हिंगलाजन की छत्र, डोली और आंगा। अगर आप बस्तर से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। और इस तरह से आंगा को यहाँ पर देवी का अंग रक्षक भी बोला जाता है, सो ये प्रोटेक्शन देने वाला है। और यहाँ पर माई जी की डोली रखी गई थी, जो कि हमने इसके भी दर्शन किए और मैं आपको वीडियो से करवा रही हूँ। मंदिर के प्रांगण पर एक और शिवलिंग स्थापित की गई थी, जो कि बहुत लोगों ने इनकी पूजा भी कर रखी थी और देखने में शिव जी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दर्शन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो मैं यहाँ से बैठ के मंदिर के नज़ारे देख रही थी। माई जी के यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे दर्शन कर लिए और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब बारी है घर जाने की, और इसी तरीके की व्लॉग्स मैं लाती रहूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे आप कमेंट कर बताइए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पर, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।